खबर अयोध्या से है, जहां कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम 2021-22 के अंतर्गत 4 दिवसीय विराट किसान मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य इसका ये है इस स्टॉल का कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां किसान भाइयों के बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों को किन किन चीज़ों का लाभ प्राप्त होता है आंगनबाड़ी केंद्रों से इस विभाग के माध्यम से, जैसे कि ड्राई राशन का वितरण, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग एज ग्रुप में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिस प्रकार से पढ़ाई जाती हैं और किस तरीके के खिलौने वगैरह उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और साथ में उनकी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि टीकाकरण वगैरह कराने के माध्यम से, और उनके वजन और लंबाई नाप के उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, और इस माध्यम से सैम और मैम बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है। किसान मेला प्रदर्शनी में कृषि से जुड़े विभिन्न योजनाओं, विभागों और विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि ये मेला किसानों के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला है। 25 से 28 मार्च तक चलने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम में किसानों को उनकी खेतों से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान कराने की भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि का विविधीकरण कैसे किया जाता है और जोखिम सहन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, जैसे कोई प्रोडक्ट है आपने, कोई फसल किया आपको, और अगर एक ही फसल आपने पूरे रकबे पे किया, अगर कोई नुकसान हुआ तो पूरा नुकसान हो सकता है, इसलिए कैसे कृषि का विविधीकरण कर सकते हैं और आप आय सृजन को बढ़ा सकते हैं, जैसे आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, कैसे बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी का बीज कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ देसी वैरायटी भी कैसे आप मिक्स कर सकते हैं, इसका आयोजन का यही उद्देश्य है। और उसमें है कि डाइवर्सिफाइड कृषि के तहत और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, उसके कई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट्स में आप जैसे मछली पालन कर सकते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, एलाइड सेक्टर्स है, तो इससे कृषक में आय सृजन क्षमता में वृद्धि होती है, अतिरिक्त आय होती वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य यही है कि किसान जो नवाचार हो रहा है, जो कृषि में नए प्रयोग हो रहे हैं बीजों के क्षेत्र में, फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में, देखिए आप जैसे इफ्को ने नैनो फर्टिलाइज़र तैयार किया है, बहुत छोटे से आप एक छोटे से बोतल में आप पूरा जो फर्टिलाइज़र की क्वालिटी है उसको लाया गया है, तो वो प्रयोग के द्वारा आप समझ सकते हैं कैसे प्रोडक्टिविटी हमारा खेत में बढ़ा है।